हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं स्केल की मदद से आईज को ड्रॉ करना। जैसे कि दो आईज को ड्रॉ करते हैं, और आप जब ड्रॉ करते हैं तो आपसे परफेक्ट ड्रॉ नहीं हो पाता है। तो आज हम इसे सीखेंगे कि किस तरीके से हम परफेक्टली ड्रॉ करेंगे। जैसे हम एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले एक प्लस का लाइन खींच लेना है आपको, ठीक है, एकदम पीच पेज में स्ट्रेट में आपको खींच लेना है। बहुत ही सिंपल है इसको ड्रॉ करना। अब क्या करना है आपको, अब डिपेंड करता है कि आपको आईज कितना बड़ा ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2.5 या 3 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से क्या करना है, मीडियम से 3 3 कर लेना है, जैसे 1.5 इस साइड, 1.5 इस साइड, तो ये 3 हो गया। फिर इसके बाद आपको 3 ले लेना है, फिर इधर, और फिर इस साइड, फिर 3 सेंटीमीटर। देखो ये जो 3 3 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका आया, यही आईज के पोर्शन हुए कि इसी में हमें आईज को ड्रॉ करना है, ठीक है। बीच में जो हमारा ये पॉइंट होगा वो बिल्कुल खाली रहेगा, इसमें हमारे नोज बनेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ड्रॉ करना। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए आईज बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब आईज एंड आईब्रो को हम इसमें ड्रॉ करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे आपने देखा होगा, पिछली वीडियोज में भी देखा होगा कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आईज बनाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है इस मेथड को यूज़ करके, ठीक है। इस मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए आईज की ड्राइंग्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। इस मेथड में हम प्रोपोर्शन को मेज़र कर लेते हैं। आप चाहो तो स्केल से मेज़र कर लो, चाहो तो आप पेपर से मेज़र कर लो। पेपर से भी मेज़र करना है वो भी हम आपको सिखा देंगे, बहुत ही ईजी है पेपर से भी मेज़र करना, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको ओवल शेप ले लेना है, और ओवल शेप को इस तरह से यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। आप दो चार आईज को जब ड्रॉ करोगे तो आप खुद सीख जाओगे। उतना स्ट्रेस नहीं लेना है इन सब चीज़ों को लेके कि मुझसे नहीं बन रहा है, आपको बनाना है, गलतियाँ होंगी, आप सीखते चले जाओगे, ठीक है। अब आईज को तो मैंने कंस्ट्रक्शन को तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अब इसके अंदर के आई बॉल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लाइनिंग्स को मैंने जैसे बताया था कि आपको ज़्यादा ब्रेक नहीं करना है लाइनिंग को, ठीक है। कोशिश करना है कि कम टाइम में लाइनिंग्स हमारा जुड़ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये आईज जब ओपन होता है तो हमारा कुछ इस तरीके से ये प्रोपोर्शन यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसको हम अपर पार्ट पे ड्रॉ करेंगे। अब नीचे एक और हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं जिसमें कि हमारा आई लेस होता है, ठीक है। आई लेस यहाँ ऊपर वाले पे भी होते हैं, आई लेस नीचे वाले पोर्शन पे भी होते हैं। तो नीचे वाले पोर्शन पे आई लेस को ड्रॉ करने के लिए आपको ईजिली क्या करना है, इसको एक और लाइन यहाँ से खींच देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आई की ड्रॉइंग। ड्रॉइंग यहाँ पे हमने सिर्फ ड्रॉ किया है, इसे आई बॉल के अंदर एक ब्लैक पोर्शन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइट इफेक्ट आपको दे देना है, ठीक है। जब भी आप आईज को ड्रॉ करो लाइट इफेक्ट जरूर देना, क्योंकि लाइट इफेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब हम कहीं पे जैसे हमारे फेस को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, तो वो लाइट कहीं ना कहीं से आ रही होगी। जैसे आप जहाँ बैठे हो सकता है उस जगह पे खिड़की हो सकता है उस जगह पे कोई भी लाइट सोर्स हो, बल्ब जल रहा हो, तो उसके रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो हमारी आंखों के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। अब आईब्रो की ड्राइंग बनाना मैंने आपको बताया था कि पहले आपको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है, और उसके बाद धीरे 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 इसको इसको कन्वर्ट करना है ओरिजिनल पिक्चर में, ठीक है। धीरे धीरे इसको शेप देना है हेयर्स का, ठीक है। तो ये हमारा आईब्रो भी बन के रेडी हो गया। मतलब सिंपल है हमारा कि आपको अगर यहाँ पे मेन पोर्शन यहाँ पे ये समझना है कि अगर आप बीच वाले लाइन से मेजरमेंट को अगर सही रखते हो तो आपके जो आईज, नोज, लिप्स कुछ भी आप ड्रॉ करते हो, हम इसमें अगली वीडियोज में नोज को भी ड्रॉ करेंगे और उसको भी हम शेड करेंगे, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी थोड़ी सी शेडिंग शुरू करते हैं। तो आपको शेडिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि लाइट से शेडिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क करके शेडिंग को स्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो आपके ड्राइंग्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। डार्कनेस अगर आप ज़्यादा दे देते हो ड्राइंग्स में तो फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत है, फिर आप उसे कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। इसलिए डार्कनेस को कम ही दें, ज़्यादा सही रहेगा। तो इस पोर्शन को हमने थोड़ा थोड़ा शेड किया है, ठीक है, हल्का हल्का शेड देना है इसको। इस पोर्शन को देखो बनाने के लिए यहाँ पे हम 6B और 8B किसी भी पेंसिल से इसे बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स हमारा सुंदर बने, ड्राइंग्स हमारा अच्छा बने, और एक वैल्यू हो हमारे ड्राइंग के अंदर, ठीक है। चल अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसपे अब गर्ल्स मस्करा लगाती हैं, और बॉयज़ तो वैसे कुछ यूज़ करते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शेडिंग होती है दोनों साइड से, डार्क बीच में लाइट, ठीक है। अब ये पोर्शन जो है हमारा, ये पोर्शन इसको ड्रॉ करना, इसको आपको ड्रॉ करके और इसे नीचे की तरफ लाइट करना है, ठीक है। हल्का हल्का इसको लाइट करना है। बीच वाला पोर्शन जो होगा हमारा वो उतना ज़्यादा शेड नहीं होगा, बस हल्का सा शेड डाल के यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम कुछ भी एक्स्ट्रा टूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं,
अगर बहुत हुआ तो हम ब्रश या ब्लेंडर यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें खरीदो सीखने के बाद, या फिर जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो तो समझ में आता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें खरीद के रख लोगे अपने पास कि ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, ये भी ले लेते हैं, तब वहाँ पर आप सीख नहीं पाते हो। लाइनिंग्स को इरेज कर लेंगे, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और इसको इरेज करके, ठीक है, एक पोर्शन हमारा ये डन हुआ। ठीक है, बहुत सारी शेडिंग्स देनी है इसमें, ठीक है, इस तरह से शेडिंग को आप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। हम 2B पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं अभी, जनरली 2B पेंसिल ही यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हमें लाइट शेड करना होता है, ठीक है, इसलिए हम 2B पेंसिल को यूज़ करते हैं, क्योंकि पेपर पेपर के अंदर भी थोड़ा सा टेक्सचर जरूर बना होता है। किसी भी टाइप का पेपर हो, इसके अंदर टेक्सचर बना होता है, ठीक है, तो फर्स्ट शेडिंग जो होता है हमारा, वो पहले पेपर को कवर करता है, ठीक है, वो पेपर के अंदर समझो कि एक एक पार्टिकल्स को फील कर देता है। फुल्ली रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए अगर हमें सही तरीका पता नहीं है, हम पेशेंस भी अपने पास है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास आइडियाज़ नहीं है कि हम किस तरीके से अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी ड्राइंग्स आपका नहीं बनेगा। इसलिए पहले आप लाइट एंड शेड के आइडियाज़ अच्छे से कैप्चर करो, कहाँ पे किस तरह की शेडिंग्स देनी है वो सारी शेडिंग्स आप समझ लो पहले, फिर धीरे 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 आप ड्राइंग्स में आपको खुद लगेगा कि अब आप अच्छा कर रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक रह चुके हैं, तो उनकी ड्राइंग्स को मैंने इम्प्रूव होते देखा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, और किए हैं। हमने अपने पोस्ट भी किया है हमने इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हमारे स्टूडेंट के आर्टवर्क्स भी हैं, आप चाहे तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, सेम आइडिया अमन आर्ट्स, और वहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इसको बनाने में आपको हल्की सी मेहनत की ज़रूरत है और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ पे शेड देना है, कहाँ पे लाइट देना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज अगर आप थोड़ा बहुत रखते हैं, अगले क्लास में हम आपको हो सकता है तो कोई टूल्स यूज़ करें और उससे आपको बताएं कि क्या बेनिफिट है इसके। कोई ब्रश यूज़ कर सकते हैं हम, जो कि मार्केट में इजिली 10 रुपये में अवेलेबल है, टिश्यू पेपर तो आपको ईजिली कहीं भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, हम आपको बताएंगे। ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें नॉर्मली 10 रुपये वाले ब्रश मिल जाते हैं तो हम अपने ड्राइंग को शेड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि ड्राइंग्स को ब्लेंड कैसे करते हैं, ठीक है, तो ड्राइंग्स को जिस तरीके से हमने ब्लेंड करना सिखाया था आपको, शेडिंग को ब्लेंड जैसे करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उसका ये नहीं है कि बहुत महंगे ब्रशेज होंगे, बहुत महंगे ब्लेंडर्स होंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। हम नॉर्मली डोम्स के कोई भी ब्रश 10 रुपये 15 रुपये का आता है, हम उसे लेके फ्लैट ब्रश और उसे मर्ज कर सकते हैं। ब्लेंडर है तो ब्लेंडर आप ले सकते हो किसी भी कंपनी की, फिर हम आपको बताएंगे उसका यूज़ क्या है, किस तरीके से हम उसे होल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे धीरे धीरे एक एक करके। बट अभी जो हमारा आइज़ है, हमारा मेन पोर्शन है कि हम बिना किसी टूल्स की मदद से हम आइज़ को बनाना सीखें, ठीक है। अभी 2B पेंसिल हमारे पास है और हमने इससे अच्छी शेडिंग दे दी है, इसमें थोड़ा सा आई होप कि लुक आ गया होगा, मुझे तो लग रहा है कि ये पहले से ड्राइंग से तो बेटर लग रहा है ये, ठीक है, और धीरे धीरे ये और अच्छा होगा जब हम इसमें पेंसिल को चेंज करके लेयर ऐड करेंगे, ठीक है। 0.9 है मेरे पास, इसमें तीन वेरिएंट्स की पेंसिल आती है, 0.5, 0.7 और 0.9, ठीक है, तो इन तीन वेरिएंट की पेंसिल जो आती है हमारी, हम उसे यूज़ करके अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्राइंग को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो हल्की सी शेडिंग देखो चाहिए यहाँ पर, तो हल्का सा आपको डार्कनेस इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है, हल्का सा डार्कनेस इंक्रीज़ करना, आप चाहे तो 6B पेंसिल या 4B पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझना है। मेन हमारा प्रोपोर्शन है, मेन हमारी ड्राइंग्स है, इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो, समझ जाते हो, तब आपके लिए ड्राइंग करना बहुत इजी हो जाता है, ड्राइंग्स को बनाना इजी हो जाता है, ठीक है। ये आसान तरीका है आइज़ को ड्रॉ करने का, और सबसे खूबसूरत पार्ट जो पोर्ट्रेट का होता है वो हमारा आइज़ ही होता है। चलो अब ये आइज़ की शेडिंग तो हमने दे दी यहाँ पे, हल्का सा आईब्रो पे भी डार्कनेस दे देते हैं, 2B के बाद अगर 4B से डार्कनेस दे देते हैं हल्का सा, तो हमारा ड्राइंग और अच्छा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा होता है कैमरा आने के बाद, फ्रंट में जब कैमरा आ जाता है तो थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन हमारा चेंज हो जाता है, तो ड्राइंग पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। यही ड्राइंग अगर बिना कैमरे के अगर हम बनाएं रिलैक्स होके नॉर्मली, तो इसमें हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं लगेगा, ठीक है, बट कैमरा आ जाने के बाद थोड़ा सा अलग फील होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे हम दे रहे हैं डार्कनेस। चलो अब ये तो हो गया हमारा, अब हमें इसमें इंपॉर्टेंट है आई लैसेस को बनाना, ठीक है। तो आई लैसेस को बनाने के लिए आपको ले लेना है 6B पेंसिल, या आप चाहो तो स्टार्टिंग 2B से भी कर सकते हो, ठीक है। 6B पेंसिल को हम यूज़ करेंगे, पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपको इजी वे में इसको ड्रॉ कर लेना है। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है आई लैस को, पहले थोड़ा सा आपको कर्व मूवमेंट देना है। स्टेप बाय स्टेप हम बता चुके हैं आपको, अब हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप। ये पूरा कंप्लीट करेंगे, जितने पार्ट उतनी वीडियोस। जैसे इसे हमें कवर करना है तो जितने पार्ट होंगे, जैसे अगला पार्ट जो होगा हमारा वो नोज़ होगा, नोज़ और लिप्स मे बी, तो नोज़ और लिप्स को कंप्लीट करेंगे हम, और उस पर एक वीडियो आएगी। फिर ईयर्स एंड हेयर्स, और पूरे फेस को भी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ईयर्स फेस को कवर करके उसके बाद हम हेयर्स को कंप्लीट करेंगे। डिपेंड करता है कि लड़का का फेस बनाना है लड़की का, ऐसे नॉर्मली हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मस्करा टाइप अगर कुछ लगाना है, वैसे डिपेंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है स्टार्टिंग से कि आप किसकी फेस बना रहे हो। आप लड़के की फेस बना रहे हो, लड़कियों की फेस बना रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके हेयर स्टाइल, थोड़े से फेस के टेक्सचर्स पे, थोड़े से थोड़ा सा आप पिक्चर को स्मूथ कर दोगे वो लड़की का फेस हो जाएगा, थोड़ा सा आप उसे थोड़ा हार्श टाइप कर दोगे तो वो लगेगा जैसे लड़के का फेस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर, एक तरह से बोलेंगे कि हमने फर्स्ट लेयर में ही अपने ड्राइंग्स को कंप्लीट किया है। और फर्स्ट लेयर जो हमारा होगा वो 2B HB से हो सकता है, ठीक है। सेकंड लेयर जो हमारा होगा ये 4B और 6B से हो सकता है, बट हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया अभी 4B एंड 6B। हमें लगता है कि हम पहले चीज़ों को, पहले हम सेटिंग्स को अचीव करें कि हमें करना क्या है, फिर हम धीरे 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 अपने पेंसिल्स को भी इंक्रीज़ करेंगे, पेंसिल के वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और पेंसिल की शेडिंग को भी अच्छे से इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आईज एंड आईब्रोज की ड्राइंग, ठीक है। हमने इसे 2-3 बार सही किया है क्योंकि हमें लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं से गलत है, तो जैसे जैसे लगता है हमें कि गलतियां हो रही हैं हमसे, हमें बस उस गलतियों को ठीक कर लेना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक करके ही जाएं इसे। यहाँ तक आपने देखा है मतलब आपको वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगा है, इसलिए आप यहाँ तक देख पाए हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2B से हमने पूरा का पूरा ड्राइंग कवर किया, ठीक है। अब हम 6B से हल्की हल्की इसके आईब्रो आई लैसेज में हल्की हल्की शेडिंग को ऐड करेंगे, ठीक है, एकदम आराम से। यहाँ पे मूवमेंट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी हल्के से डार्कनेस को जब इंक्रीज़ करते हैं, ये आई लैसेज जो होते हैं वो एक दूसरे पे चढ़े हुए होते हैं क्योंकि हम इसे कंघी नहीं करते हैं, कंघी करेंगे तो सब एक लाइन से आएगा, जैसे हेयर्स होते हैं हमारे, अगर हेयर्स को कंघी करो तो वो एक वे में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर मिस्टेक्स होता है तो मिस्टेक्स को सुधारना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना गलतियों को सुधारोगे ड्राइंग्स आपके उतने बेटर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने कवर किया है पूरे आईज़ को, ठीक है। यहाँ पे हम जितना चाहें इसे उतना टाइम देके इसे इतना सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रूल नहीं है कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, आप जनरली यूज़ करो, पहले पहले ड्रॉ करना शुरू करो, ठीक है, फिर ये सारा कुछ अपने आप कंप्लीट होने लगेगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।